डोसा तैयार होते हुए। ये क्या तेल? और ये काई की दाल बोले आपने? दाल नहीं, आलू का मसाला है। अच्छा, आलू का मसाला। इसका मसाला आलू मसाला। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, यह व्लॉग में आपका स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है। तो फ्रेंड्स, आज बारिश हुई और बारिश का मौसम भी है, काफ़ी सुहाना लग रहा है। जो गर्मी थी हफ्त हो रहा था, काफ़ी दिनों से मौसम चेंज हो चुका है, इसलिए हम आए हैं जमील कॉलोनी में, अमरावती में। वलगाँव रोड के ऊपर है ये। यहाँ पे खाएंगे कुछ वड़ा पाव वगैरह की नमकीन, उसके लिए हम आए हैं। पीछे देख सकते हैं आप, पीछे दुकानें लगी हुई है स्टॉल, तो अभी वहीं चलते हैं, कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं साउथ इंडियन डिश पे, ये देख सकते हैं आप दुकान, और एकदम रिजनेबल रेट में बेहतरीन आइटम, इडली सांभर मसाला डोसा उपमा। यहाँ पर टोटल आइटम के नाम भी लिखे हुए हैं। मसाला डोसा 30 रुपये प्लेट, कट पीस डोसा, टोमेटो उत्तपा, ओनियन, ये देख सकते हैं आप, ये ऑनर इनके देते हुए। अंदर चलते हैं, गर्मा गर्म डोसा। डोसा तैयार होते हुए। क्या बोलते चाचा, तुम्हारा नाम चाचा पूरा? मेरा नाम सैफुल्ला। सैफुल्ला खान डोसा बनाते, डोसा तैयार करते हुए देख सकते हैं। ये खाएगा मटेरियल रहता है इसमें? चावल और उड़द की दाल। और वो जो दाल है तो चिली से, ये आलू का मसाला है। आलू मसाला ये दे के तैयार कर रहे हैं। कितने सालों का जैसे अपनी दुकान में? यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं। और डोसे के अलावा क्या रहता है अपने पास? मसाला डोसा, हाँ, इडली, मसाला वड़ा पाव। अच्छा, डोसे के सभी आइटम। हाँ क्या? और टाइमिंग क्या रहता है दुकान का? टाइम 6 बजे से रात में 11 बजे तक। हाँ क्या? ये क्या तेल? और ये काई की दाल बोले आपने? दाल नहीं, आलू का मसाला है। अच्छा, आलू का मसाला। इसका मसाला आलू मसाला। बताओ, आप रहने वाले कहाँ हैं क्या प्रॉपर? यही रहमत नगर अमरोहा। अच्छा, यहीं से है ना? तो ये तो साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन। फिर आपने कहा था स्टार्ट की जाए अमरावती से, पहले दूसरे की तरफ काम करें। अच्छा, दूसरे की तरफ सीखे आपने ना। तो ये करते हुए कितने साल होगा टोटल? 7-8 साल दूसरे की तरफ काम करें। अच्छा, पहले दूसरे की तरफ करते थे, 7 साल के आपके पास बैठ हो गया। टेबल कितना है? क्या रेट इसके? क्या बोले? इसकी रेट क्या है? जैसे मसाला तो 30 रुपये 30 रुपये प्लेट। और सांभर? और इडली सांभर 20 रुपये प्लेट, और वड़ा पाव 10 रुपये। ठीक है ना, एक हमको भी बना दीजिए, एक दोनों का टेस्ट करते हैं ना, एक इडली देते हुए। अंदर चलते हैं। ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? अल्फैज। और आपका? सोहेब। क्या खा रहे हैं आप? वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव।
कैसा टेस्ट कैसा है इसका वड़ा पाव का? अच्छा है। अच्छा है तो क्या आप ट्यूशन आए थे क्या? हाँ ट्यूशन आए थे और इधर आ गए ना। तो आप आते रहते हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा काफ़ी टाइम से आ रहे हैं ना, टेस्ट अच्छा होने की वजह से और रेट भी। कौन सी क्लास में आप? टेंथ में। और आप? अच्छा सेम क्लास में आगे ना, स्टूडेंट भी हो तो देख सकते हैं। चटनी भी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। लोग इस पर बात करते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम भाई आपका? हाँ शोएब भाई। क्या खा रहे थे भाई आप? डोसा। डोसा और चटनी के साथ में। कैसा टेस्ट है? एक नंबर टेस्ट है, नंबर वन एकदम। हाँ क्या तो आप कब से आ रहे हैं सर? सबसे नंबर वन डिश है, अच्छा डिश है, नंबर वन डिश है। तो कब से खा रहे हैं भाई आप ये? 5 साल का। अच्छा रेगुलर आते रहते हैं आप ना, टेस्ट अच्छा होने की वजह से और रेट भी रिजनेबल है ना। खाई के साथ में खोपरे की चटनी है? चटनी है और खोपरी चटनी है। अच्छा टमाटर चटनी है। हाँ अच्छा और इसके अलावा क्या खाते हैं आप यहाँ पे? और डोसे के अलावा भी क्या खाते हैं? इडली। अच्छा तो चलिए ठीक है शुभ भाई, बात आपसे बात करके अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स हमने भी डोसे का ऑर्डर किया है, अभी टेस्ट लेके देखते हैं कि किस तरह का है टेस्ट इसका, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है इसका, चटनी भी ये जो कोकोनट चटनी और ये अच्छा टेस्ट है, रिजनेबल रेट में बहुत बेहतरीन है। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने टेस्ट लिया है, अच्छा लगा है, कम रेट में रिजनेबल रेट है, रिजनेबल रेट में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये साउथ इंडियन डिश, जो कि आप देख सकते हैं ये वलगा रोड के ऊपर है, वलगा रोड सीधा जाता है। इसका लोकेशन जो है तो आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ट्रैफिक की काफ़ी है। ये अमरावती से ये सीधा वलगा जाता है, अगर आना है किसी को भी जमील कॉलोनी चौक पे, सामने बैस हॉस्पिटल है बड़ा, तो यहाँ आ सकते हैं कम रेट में। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड। तो फाइनली उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।